11 जून 2023 को रणबीर कपूर के फिल्म एनिमल का चीरफाड़ मचा देने वाला टीजर रिलीज किया गया। कबीर सिंह के बाद संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म यही है। मेकर्स ने अनाउंस किया कि 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में फिल्म को उतारा जाएगा। तब लग रहा था कि ये गदर 2 और ओएमजी 2 से क्लैश करने वाली है, हालांकि बाद में मेकर्स ने डेट खिसका दी। एनिमल 1 दिसंबर 2023 को आएगी। भूषण कुमार ने इंडिया टुडे से बात करते हुए फिल्म खिसकाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि फिल्म पर काम पूरा नहीं हुआ था, इस वजह से उसकी रिलीज की डेट आगे बढ़ा दी गई। हालांकि अब एनिमल वाले अपनी फिल्म के लिए जवान जैसी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं। भूषण ने इस बारे में बताया, आप देखेंगे कि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के मार्केट में जवान की एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा थी। यह साउथ का मार्केट है, मेरा डायरेक्टर, एक्टर्स और हीरोइन साउथ से ही है। एनिमल एक पैन इंडियन फिल्म है, इसलिए हम उसे मल्टीपल भाषाओं में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। फिल्म को सिर्फ डब नहीं किया जाएगा, हम इसे जवान की तरह हर जगह प्रमोट करना चाहते हैं। एनिमल के गानों पर खास काम किया जा रहा है। भूषण ने बताया कि फिल्म में 8 गाने होंगे, उसी हिसाब से उन्हें तमिल, तेलुगु और मलयालम में डब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गानों की डबिंग पर भी काम चलेगा, बाकी भाषाओं में रणबीर से मैच करती हुई आवाज इस्तेमाल की जाएगी। इसी कारण उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया और वो लोग अपने फैसले से संतुष्ट हैं। भूषण की कंपनी टी सीरीज के पास जवान के म्यूजिक राइट्स हैं। जवान भरपूर हल्ला मचा रही है। शाहरुख ने फिल्म को नॉर्थ में इतना प्रमोट नहीं किया जितना साउथ में एक प्रमोशनल इवेंट रखा गया। चेन्नई में ये इवेंट आयोजित किया गया था। शाहरुख, एटली, विजय सेतुपति, अनिरुद्ध रविचंद्रन, योगी बाबू समेत फिल्म से जुड़े लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। ये इवेंट काफी सफल रहा, मंच पर दिए गए स्पीच वायरल हुई। कुल मिलाकर साउथ में पर्याप्त शोर मचा। ये बात अलग है कि जवान की अधिकांश कमाई हिंदी पट्टी से हो रही है, लेकिन साउथ में भी मामला कोई गोल नहीं है। रोजाना कुछ करोड़ तमिल और तेलुगु वर्जन से जुड़ ही रहे हैं। एनिमल वाले भी अपनी फिल्म को साउथ में लेकर जाना चाहते हैं। जवान हिंदी के अलावा सिर्फ तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई, जबकि एनिमल तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में रिलीज होगी। उसके पास ज्यादा बड़ा मार्केट होगा। बाकी फिल्म कैसा परफॉर्म करेगी, इसका जवाब 1 दिसंबर को ही मिलेगा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मेरा नाम है सोनल। सिनेमा से जुड़े तमाम अपडेट्स लेने के लिए आप ललन टॉप सिनेमा पर आते रहिए। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।